हाँ दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल निवास शर्मा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने है तथा चर्चा लायक टॉपिक बनने वाला है आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि घर में आप जैविक DAP कैसे बना सकते हैं। तो क्या है, बाजार में जो रासायनिक DAP आते हैं, जैविक DAP आते हैं, तो उस तरह से हम जैविक DAP जो बनाने वाले हैं लिक्विड फर्टिलाइजर में बनाने वाले हैं और घर के सामान से ही बनाने वाले हैं। आपको ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो DAP बनाने का जो फॉर्मूला है, आइडिया है, मेरे पिताजी का था, मेरे पिताजी ने मेरे को दिया था, वही आइडिया आज आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। ये जो है, ये आइडिया हर यूट्यूब पर आपको नहीं दिखाएंगे। ये जो हम DAP बनाने वाले हैं वो आप सब्जी के खेत में, धान हो, मक्का हो, किसी भी ऑयल टोटल कोई भी खेती हो, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ स्ट्रॉबेरी लगाया था, उसमें भी इस तरह का जैविक DAP डाल के मैं लगाया था। तो जैविक DAP हम जैसे स्ट्रॉबेरी में रासायनिक का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन आप जैविक DAP का उपयोग जरूर से कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती में। तो हर साल खेत में किसान टन के टन DAP डाल देते हैं तथा कई सारे बहुत सारे ऐसे खर्चेलू DAP का ही खर्चा सबसे ज़्यादा आता है। 2600 रुपये बोरी है, 1600 रुपये बोरी आप जिस कंपनी का लोगे, सबसे कम रेट में 1600 रुपये 1400 रुपये बोरी रहता ही है। तो आप मेरे साथ जो सामान है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है करीबन 4 लीटर छाछ लिया है, जो दही बनाने या पनीर बनाने के बाद जो पानी वेस्टेज निकल जाता है वही वाला है ये। और तथा मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 किलो के आसपास बेल लिया है, बेलपत्र भी बोल सकते हैं। तथा मैं एक मीडियम साइज का एक नींबू लिया हूँ, आप इसके जगह 2 छोटे छोटे नींबू का उपयोग भी कर सकते हैं। तथा मैंने लिया है यहाँ पर सड़े हुए केले, जिसमें इस तरह से रस टपक गए, ऐसे सड़े हुए केले। तथा कुछ आप इसके साथ जैसे कोई भी आपके घर में पड़े हुए सड़े हुए सब्जी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ सड़े हुए मिर्ची थे घर में, उसको ले लिया हूँ। तो मिर्ची में थोड़ा थोड़ा कीड़ा भी आ गया है, जो बाहर ऐसे रखा था इसलिए, तो ऐसे रख दिया। और मैंने लिया है पहले केले के छिलके, सूखे हुए केले के छिलके। आप इसमें ऐड भी नहीं करते हैं तो कोई भी बात नहीं है, आप केले के छिलके से ही चल जाएगा। और इस तरह से मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी, लगभग इसमें 100 ग्राम चीनी है। इस तरह से चीनी लेंगे और इस तरह से आपको एक मटका हांडी ले लेना है। आप इसके जगह मिट्टी का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास प्लास्टिक का और मिट्टी का नहीं है, इसलिए मैं इसे स्टील का उपयोग कर रहा हूँ। आपके पास अगर मिट्टी का है, मिट्टी का इस तरह का घड़ा है, तो आप बहुत बेस्ट होगा मिट्टी में बनाने के लिए। तो उस तरह से रख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले डालना है इसमें साँच को थोड़ा सा घोल लेते हैं, नीचे आ गए पूरा मटेरियल साँच का। तो उसमें थोड़ा सा डाल देता हूँ, लगभग आधा डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि बाद में डालने के लिए लगेगा। आधा डाल दिया हूँ। छाछ के बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा बेलपत्र, करीबन मैंने 1.5 किलो बेलपत्र लिया है, इसको डाल देते हैं इसमें। कुछ बचा है इसको भी डाल देते हैं। तो बेलपत्र भी डाल दिया हूँ। उसके बाद डालना है हमें केले, कुछ इस तरह से केले इसमें लगा है। अगर आपके पास सड़ा हुआ केले नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छा केले का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या है, अगर सड़े हुए केले डालेंगे इस तरह से तो इसमें डीकम्पोस्ट होने में लेट नहीं लगेगा, बहुत जल्दी इसमें डीकम्पोस्ट हो जाएगा। तो इसको मैं करीबन यहाँ पर 0.5 किलो के आसपास केले के छिलके हैं ये भी डाल देता हूँ। उसके बाद आप इसे से मैं जैसे मिर्ची का उपयोग करता हूँ, सड़ा हुआ सब्जी है, आपके पास कोई भी सड़ा हुआ सब्जी हो वो चल जाएगा। कुछ सड़ा हुआ सब्जी डाल देता हूँ। उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा, जैसे ये है केले के छिलके, सूखे हुए छिलके, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डालेंगे हम चीनी, ये चीनी डालेंगे थोड़ा सा, करीबन 100 ग्राम चीनी है यहाँ पर, इसको डाल देता हूँ। इसके बाद जो मेन प्रोसेस है, इसके बाद हम जैसे चीनी डालें, इससे आप अगर खेत में डालोगे तो लाल चींटी, कोई भी चींटी हो, उससे आक्रमण हो सकता है। इसके लिए आप करीबन यहाँ पर थोड़ा सा बिल्वो डाल सकते हैं, कोई भी बिल्वो हो, कीटनाशक हो, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ, ज़्यादा मात्रा नहीं, थोड़ा सा डाल दिया। इसके बाद आपको इस तरह से एक नींबू ले लेना है, आप इसके जगह छोटे नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास छोटा नींबू नहीं है इसलिए बड़ा नींबू का उपयोग कर रहा हूँ। अगर आपके पास नींबू नहीं है, अगर संतरे के छिलके हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो छोटे छोटे पीसेस में काट लेता हूँ इसको। जितना छोटे पीस करेंगे उतना डिकम्पोस्ट होने में जल्दी होगा। अब जो हमारा बचा हुआ साँच था उसे भी इसमें डाल लेते हैं, डाल दिया हूं।
अब इसको अच्छे से हिला लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा मिल चुका है। तो अच्छे से मिलाना है, ये अच्छे से मिल चुका है। अब ये जो बात है, ये जो हमने जैसे डाले है इसपे ऊपर एक ढक्कन डाल देना है, इस तरह से ढक्कन डाल देना है। इसको आपको टाइट करके नहीं लगाना है, इसको हल्का सा डाल देना है जिससे इसके अंदर से जो गैस बनेगा वो बाहर निकल सके। और जो ये है, ये जैसे मैं डाल दिया हूँ, लगभग 3 दिन में डिकम्पोज बन जाएगा। इसके बाद और कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना पड़ेगा जो कि मेरे पार्ट 2 में आ जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और डीएपी बनाने का आइडिया आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।